उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने आज देहरादून प्रेस क्लब में वार्ता की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ईडी और सीबीआई के छापे को गलत ठहराते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि ईडी और सीबीआई ने पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई ने पार्टी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और कहा कि आम आदमी पार्टी जैसी ईमानदार पार्टी कोई नहीं है। ज्योत सिंह बिष्ट ने शराब घोटाले को एक षड्यंत्र रचने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप भी लगाए। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि ये सारी कहानी पीएम मोदी के निर्देश पर पीएमओ में लिखी गई थी और अरविंद केजरीवाल की छवि को जानबूझकर खराब करने का काम बीजेपी ने किया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर 14 फोन तोड़ने के आरोप को झूठा बताया है और शराब घोटाले को भी गलत ठहराया है। दिल्ली के अंदर एक तथाकथित शराब घोटाले का आरोप केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगा करके उनके एक वरिष्ठ मंत्री को जेल में डालने का काम किया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, उनके खिलाफ झूठे गवाह तैयार करने के लिए उन गवाहों के साथ मारपीट की, उनको डराया, धमकाया, लालच दिया। 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कोर्ट ने 2 लोगों की जमानत देते हुए उस पर अपना फैसला दिया, उसमें केंद्र सरकार के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के दबाव में ईडी और सीबीआई ने गलत तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया, उसके सबूत दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहे। सीबीआई ने कहा था कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब घोटाले में लिया गया, इसको गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किया और पिछले 7-8 महीने में जो आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव में वेंडर रहे उन सबको गिरफ्तार करके उन्होंने पूरी जो छानबीन की, उस छानबीन के बाद जो तथ्य निकल करके आए उसमें आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में सारा लेन देन चेक के माध्यम से किया, ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं किया। केवल 19 लाख रुपए की रकम एक राज्य के चुनाव में नगद कैश के रूप में खर्च की। ऐसा करके ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी, एक कट्टर ईमानदार पार्टी, इस बात को साबित किया। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी वालों ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है। सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में खुद कहा कि इसमें से 70 करोड़ की रिश्वत का सीबीआई और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में आगे कहा कि बाकी 30 करोड़ रुपए राजेश जोशी नाम का कोई आदमी साउथ से लेकर आया और उसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी वालों को दिए।